हेलो फ्रेंड्स, होप आप सारे ही अच्छे होंगे। होप आप सबने फेस्टिवल सेलिब्रेट कर लिया होगा। ये वीडियो देखिए, आज के जो मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप भारत का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, आपको यहाँ से एक क्वेश्चन बनना ही बनना है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको पूछा ही जाएगा, यानी एक नंबर यहाँ पर आप अपना श्योर कर सकते हैं। एक मार्क यहाँ पर जो है आप अपना श्योर कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा लिखी गई किताबें, यानी जो फ्रीडम फाइटर्स द्वारा जो लिखी गई किताबें, वो मैं आपको प्रेजेंट करने वाला हूँ। मैं बहुत सारी किताबें प्रेजेंट करूंगा, तकरीबन 100+ मैं किताबें प्रेजेंट करूंगा। ये सेशन पूरा एमसीक्यूज में होगा, साथ ही साथ एक्स्ट्रा डिटेल्स में भी मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, युगांतर अरविंद घोष जी के द्वारा, तो अरविंद घोष जी के द्वारा और भी सारी किताबें लिखी गई हैं, जैसे एसे ऑन गीता हो गया, वो भी अरविंद घोष जी के द्वारा लिखा गया है। तो एक्स्ट्रा डिटेल्स भी मैं आपको प्रेजेंट करूंगा। तो होप आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो 100% आपको बहुत अच्छी लगेगी। वीडियो को आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अच्छे अच्छे कंटेंट्स यहाँ पे लाइव भी पढ़ाए जाते हैं, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ, ताकि जितने क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं फ्रीडम फाइटर्स के द्वारा लिखे गए, और प्लस मैंने एडिशनल कुछ और किताबें आपको ऐड कर दी हैं जो पुराने राइटर्स हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन लेते हैं। युगांतर, युगांतर किस लेखक की किताब है? तो देखिए, युगांतर किसके द्वारा लिखी गई? सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या अरविंदो घोष? ठीक है, तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो अरविंदो घोष हो जाएगा। आप सबको बताएं, आपके डिस्प्ले क्वेश्चन पे भी ये था। अब देखिए, अरविंदो घोष जो थे वो क्या थे? तो एक जो एग्जमेस दल था, जो एग्जमेस स्टेज था, जो आपका उग्रवादी दल का था, उस दल से नेता थे। ठीक है, जिसमें लाल बहादुर लाला लाजपत राय हो गए, बाल गंगाधर तिलक हो गए। ठीक है, ये लोग उससे संबंधित थे। तो अरविंद घोष भी उसी से संबंधित थे, एग्जमेस दल से संबंधित थे। उनकी किताब क्या हो जाएगी? तो वो हो जाएगी युगांतर, वो ध्यान रखिएगा। उसके अलावा इनकी किताब कर्मयोगी जो कि पूछी गई है, सावित्री भी इन्हीं की किताब है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या मैं पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। एसे ऑन गीता अगर पूछा जाएगा, वो भी किसकी किताब है? तो अरविंदो घोष की किताब हो जाएगी। लाइफ डिवाइन पूछा जाएगा, तो वो भी किसकी किताब है? अरविंद घोष जी की। वंदे मातरम भी किसकी किताब हो जाएगी? तो अरविंद घोष जी की लिखी गई किताब है। साथ ही साथ जो मैं बाकी के ऑप्शन में राइटर्स थे, उनकी फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनकी किताबों की बात कर लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी की किताब देखिए, इंडियन स्ट्रगल, आपको पूछी गई है कई बार, तो ध्यान रखिए अगर पूछा जाएगा इंडियन स्ट्रगल किसकी किताब है, तो सुभाष चंद्र बोस जी की। राजा राम मोहन राय पूछा जाएगा, तो उनकी किताब संवाद कौमुदी। 100% ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपको, ध्यान रखिएगा। आपके एमटीएस के एग्जामिनेशन तो उसमें भी संवाद कौमुदी किसकी किताब है? तो राजा राम मोहन राय जी की है। वहीं सोम प्रकाश पूछा जाएगा, तो किसका हो जाएगी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ध्यान रखिएगा, सत्यार्थ प्रकाश दूसरी किताब है, सोम प्रकाश दूसरी किताब है, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। द गोल्डन थ्रेशोल्ड किस लेखक के द्वारा लिखी गई किताब है? पूछा गया गोल्डन थ्रेशोल्ड जो है वो किसके द्वारा लिखी गई किताब है? तो देखिए, गोल्डन थ्रेशोल्ड किताब लिखी गई है सरोजनी नायडू जी के द्वारा। ठीक है, इनके द्वारा और भी बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, जिसमें द व्हील इज सॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, इन द बाजार ऑफ हैदराबाद हो जाएगा, पलंक्विन बेरर्स हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना एंड एम्बेसडर यूनिटी, द वर्ड ऑफ टाइम, सॉन्ग्स ऑफ लाइफ, डेथ एंड स्प्रिंग, ये सारी किताबें किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो ये सारी किताबें सरोजनी नायडू द्वारा लिखी गई हैं। आपको पता है कि ये कानपुर अधिवेशन के अध्यक्ष भी थी 1925 में, तो ये भी आपको पूछा जा सकता है। प्लस पहली जो है, अगर आपको पूछा जाएगा कि पहली महिला राज्यपाल कौन बनाई गई थी, तो वो भी सरोजनी नायडू ही बनाई गई थी, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष भी हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इनकी किताबें क्या हो जाएगी? तो द वेलस सॉन्ग हो गया, इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद हो गया, पलंक्विन बेरर्स हो गया, मोहम्मद अली जिना एंड एम्बेसडर ऑफ यूनिटी हो गया, द वर्ड ऑफ टाइम, सॉन्ग्स ऑफ लाइफ, डेथ ऑफ स्प्रिंग, ये किसकी किताब हो जाएगी? तो सरोजनी नायडू की हो जाएगी। ये इसके सब टाइटल्स भी हैं। वहीं एनी बेसेंट की बात करें दोस्तों, तो कॉमनवेल्थ न्यूज़पेपर आपको पूछा जाता है, कि कॉमनवेल्थ न्यूज़पेपर किसका है, तो वो एनी बेसेंट का हो जाएगा। न्यू इंडिया भी पूछा जाएगा किसके द्वारा लिखा गया है, तो वो भी एनी बेसेंट जी के द्वारा लिखा गया है। जबकि अ वॉइस ऑफ फ्रीडम पूछा जाएगा, तो वो नयन तारा सहगल जी के द्वारा, और इंडियन अनरेस्ट पूछा जाता है, तो वो वी चिरोल के द्वारा। वी चिरोल का देखिए एक और स्टेटमेंट पूछा जाता है कि बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक किसने कहा था? तो इसी वैलेंटाइन चिरोल ने कहा था। ठीक है, इंडियन अनरेस्ट इन्हीं की किताब है, वैलेंटाइन चिरोल। तो ध्यान रखिएगा, गोल्डन थ्रेशोल्ड पूछा जाएगा, तो वो किसकी किताब हो जाएगी? सरोजनी नायडू की किताब हो जाएगी। देखिए, जो भी मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक दो बार वीडियो देखेंगे या मेरी लाइव क्लासेस देखेंगे, तो मैं इसको रेगुलर पूछते रहता हूँ, तो आपको याद हो जाएगा। थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है, आपको भी करनी पड़ेगी। द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स किस लेखक की किताब है? तो देखिए, द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स जो किताब हो जाएगी, वो जवाहरलाल नेहरू जी की हो जाएगी। इनकी किताब द बंच ऑफ ओल्ड लेटर है,
उसके अलावा मेरी कहानी इनकी किताब हो गई, लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर, लेटर्स फॉर अ नेशन फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू टू हिज चीफ मिनिस्टर्स, वर्ड ऑफ फ्रीडम, आइडियाज ऑफ अ नेशन, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये पूछा गया है आपको, पूछा जा सकता है। एन ऑटोबायोग्राफी टूवर्ड्स द फ्रीडम, ये भी आपको पूछा जा सकता है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया तो हम सारे ही जानते हैं किसके द्वारा लिखी गई है, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखी गई है। अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स और मेरी कहानी, वर्ड उसके अलावा ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये इंपॉर्टेंट बुक्स है जो कि आपको पूछी जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। सत्याग्रहणी साउथ अफ्रीका किसकी किताब है, यानी इसके लेखक कौन है? कैलाश सत्यार्थी है, नेल्सन मंडेला है, महात्मा गांधी, आर के नारायण। तो देखिए सत्याग्रहणी इन साउथ अफ्रीका किसकी हो जाएगी? महात्मा गांधी जी की किताब हो जाएगी। इनकी बहुत सारी किताबें जो कि आपको पूछी जा सकती हैं, जिसमें माई एक्सपेरिमेंट ट्रुथ 100% पूछा जा सकता है आपको, हिंद स्वराज और इंडियन होम रूल, सत्याग्रहणी इन साउथ अफ्रीका, ट्रुथ इज गॉड हो गया, त्रस्त सिफ हो गया, यंग इंडिया हो गया, हरिजन पत्रिका हो गई, नवजीवन पत्रिका हो गई। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई। ये तीनों नीचे के ध्यान रखिएगा, यंग इंडिया, हरिजन और नवजीवन आपको इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। उसके अलावा ट्रस्ट सिफ हो गया, ट्रुथ इज गॉड हो गया, हिंद स्वराज कई बार आपको पूछी गई है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हिंद स्वराज नोट डाउन कर लीजिएगा, कन्फर्म पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडिया वंस फ्रीडम किसके लेखक हैं, यानी इंडिया वंस फ्रीडम के लेखक कौन है, किसकी किताब हो जाएगी? बाल गंगाधर तिलक की हो जाएगी, मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब की हो जाएगी, लाला लाजपत राय जी की हो जाएगी, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की हो जाएगी? तो देखिए इंडिया वंस फ्रीडम जो किताब है वो मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब की किताब है। इसके अलावा अल हिलाल इनकी किताब है, गुब्बारे खातिर हो जाएगी इनकी किताब, जो कि आपको पूछी जा सकती है। वहीं बाल गंगाधर तिलक जी की बात करें तो मराठा न्यूज़पेपर हो गया, केसरी हो गया, गीता रहस्य हो गई, तो ये बाल गंगाधर तिलक जी की किताब है। जबकि लाला लाजपत राय जी की किताब पूछी जाएगी तो अनहैप्पी इंडिया, कई बार पूछी गई है अनहैप्पी इंडिया और इंडिया डिवाइडेड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो कि आपको बार बार रिपीट हुई हैं, आपके एमटीएस के एग्जाम में 100% पूछा जा सकता है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किसके हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे इंडिया डिवाइडेड के लेखक, इंडिया डिवाइडेड के राइटर। ध्यान रखिएगा फ्रीडम फाइटर्स की किताब 100% पूछी जाती है आपको, इसी वजह से ये टॉपिक मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। विसर्जन किस लेखक की किताब है, पूछा गया है विसर्जन किस लेखक की किताब है? वीर सावरकर की है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी की है, रविन्द्रनाथ टैगोर की है, या गोपाल कृष्ण गोखले जी की है? तो देखिए गोरा हो गया, गीतांजलि हो गया, विसर्जन हो गया, ये सब रविन्द्रनाथ टैगोर जी की किताबें हैं। उसके अलावा होम इन द वर्ल्ड हो गया, गोरा हो गया, हंगरी स्टोन्स हो गया, चंडालिका हो गया, ये किसकी किताबें हो जाएंगी? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी की किताबें हो जाएंगी। जिसमें ध्यान रखिएगा गोरा आपको कई बार पूछा गया है, गोरा जो है वो कई बार पूछा गया और एक नंबर का क्वेश्चन गोरा से बन सकता है। ठीक है, गोरा आपको पूछा जाएगा, गीतांजलि आपको पूछा जाएगा, क्योंकि गीतांजलि भी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको पूछा गया, कई बार बनाया गया है। उसके अलावा अगर होम एंड द वर्ल्ड पूछा जाएगा, ये होम एंड द वर्ल्ड होगा। ठीक है, होम एंड द वर्ल्ड तो अमर सेन की हो जाएगी। होम एंड द वर्ल्ड पूछा जाएगा किसकी किताब हो जाएगी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी की हो जाएगी, होम एंड द वर्ल्ड, वो भी ध्यान रखिएगा। उसके अलावा हंगरी स्टोन हो गया, चंडालिका हो गया, विसर्जन हो गया, ये सब किसकी किताबें हैं? तो रविन्द्रनाथ टैगोर की जी की, इसको कह लीजिएगा होम एंड द वर्ल्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा देखिए वीर सावरकर जी की किताब जो कि ऑप्शन में थे, तो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी जिनको बंग भंग आंदोलन का प्रणेता कहा जाता था, उनकी किताब हो जाएगी बंगाली। उसके अलावा अ नेशन इन मेकिंग, ये किसकी किताब हो जाएगी? तो ये भी सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी की हो जाएगी, जिनको बेताज बादशाह के नाम से भी जाना जाता है, प्रिंस विदाउट अ क्राउन। उसके अलावा देखिए गोपाल कृष्ण गोखले जी की किताब क्या हो जाएगी? नेशन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है, जिसमें विसर्जन आपको 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, होम एंड द वर्ल्ड हो जाएगा आपको पूछा जाने वाला क्वेश्चन, गोरा हो जाएगा, गीतांजलि हो जाएगा, चंडालिका हो जाएगा, ये सब आपको पूछा जा सकता है। अभ्युदय हिंदुस्तान किस लेखक की किताब है? मदन मोहन मालवीय, दीनबंधु मित्रा, केशव चंद्र सेन, या मोतीलाल नेहरू? तो देखिए अभ्युदय हिंदुस्तान जो किताब हो जाएगी वो मदन मोहन मालवीय जी की किताब हो जाएगी। इसके अलावा इनके लीडर पत्रिका आपको पूछी जा सकती है, लीडर भी मदन मोहन मालवीय जी की है। उसके अलावा दीनबंधु मित्रा की किताब पूछा जाएगा तो नील दर्पण, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा गया आपको नील दर्पण, एमटीएस का ही क्वेश्चन है, तो दीनबंधु मित्रा। केशव चंद्र सेन की पूछी जाएगी तो वाम बोधनी और इंडियन मिरर, किसकी किताब है? केशव चंद्र सेन की, जिसमें इंडियन मिरर 100% पूछा जा सकता है आपको। मोतीलाल नेहरू की किताब पूछी जा सकती है आपको इंडिपेंडेंट, आपको पता है मोतीलाल नेहरू जी से स्वराज पार्टी भी पूछा जाता है। ठीक है, उसके अलावा ये किताब भी पूछी जा सकती है आपको इंडिपेंडेंट, तो किसकी किताब हो जाएगी? मोतीलाल नेहरू जी की हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं।
पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किस लेखक की किताब है? तो देखिए, पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया जो किताब है वो दादा भाई नरोजी जी की किताब हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। पहले भारतीय जो विदेश के संसद में जाने वाले पहले व्यक्ति भी हैं, ब्रिटेन के संसद में जाने वाले, ठीक है। उसके अलावा इंडिया रिफॉर्म कमिटी भी पूछा जाएगा, तो दादा भाई नरोजी के द्वारा ही बनाया गया था। लेकिन यहाँ हम किताबों की बात कर रहे हैं, तो पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पूछा जाएगा तो दादा भाई नरोजी। उसके अलावा इनकी किताब जो पूछी जा सकती है रस्ट गफ्फ पूछी जा सकती है, जो कि इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा मोहम्मद अली की किताब की बात करें तो कॉमरेड हो गया, हमदर्द हो गया, ये किसकी किताब है? मोहम्मद अली की। जबकि मोहम्मद इकबाल की पूछी जाएगी तो तराने हिंद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तराने हिंद मोहम्मद इकबाल की किताब है। उसके अलावा बंगे दारा भी किसकी किताब हो जाएगी? तो मोहम्मद इकबाल की किताब हो जाएगी। उसके अलावा अमृत बाजार पत्रिका, 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, तो वो क्या हो जाएगा? शिशिर घोष। ध्यान रखिएगा, अमृत बाजार पत्रिका शिशिर घोष की किताब पूछी गई। मैं आपको यहाँ पे गारंटी लेता हूँ कि यहाँ से आपको एक नंबर का क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ये वीडियो बहुत ही अच्छी है, तो आप इसको जितनी बार भी देख सकते हैं। पीडीएफ चाहिए आप उनसे पीडीएफ ले लीजिएगा, लेकिन इसको जरूर पढ़िएगा क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और मैं ये बहुत विश्वास के साथ कहता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो इस विश्वास को आप जरूर कन्वर्ट करिए अपने पढ़ाई में। भारत दुर्दशा किस लेखक की किताब है? तो देखिए, भारत दुर्दशा किताब हो जाएगी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की किताब जो है कि भारत दुर्दशा। उसके अलावा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की बात करें तो आनंद मठ हो गया, देवी चौधरानी हो गया, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की किताब है। आनंद मठ कई बार पूछी गई आपको। चित्तरंजन दास जी की किताब इंडिया फॉर इंडियंस, 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, चित्तरंजन दास जी की किताब हो जाएगी इंडिया फॉर इंडियंस। वहीं दयानंद सरस्वती जी की किताब सत्यार्थ दर्पण और सत्यार्थ प्रकाश, ये दोनों ही दयानंद सरस्वती जी की किताब, जिसमें सत्यार्थ प्रकाश आपके मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस में आता है। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में आता है क्योंकि कई बार पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, द रेवोल्यूशनरी किस लेखक की किताब है? सच्चिदानंद सान्याल की, तारकनाथ दास की, सेवानंद की, या पटवी सीतारमैया की किताब हो जाएगी। तो देखिए, द रेवोल्यूशनरी जो है वो जो है सचिंद्रा सेन सान्याल की किताब है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। उसके अलावा तारकनाथ दास की किताब हो जाएगी फ्री हिंदुस्तान। डिवाइन लाइफ पूछा जाएगा तो वो किसकी किताब हो जाएगी? वो शिवानंद जी की किताब हो जाएगी। जबकि लाइफ डिवाइन किसकी किताब थी? तो अरविंदो घोष की किताब थी। पट्टाभि सीतारमैया जी की किताब पूछी जाएगी तो वो हो जाएगी हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस। ध्यान रखिएगा, ये किसकी किताब हो जाएगी? पट्टाभि सीतारमैया की, जिसमें सचिंद्र सान्याल जी की किताब, ध्यान रखिएगा, द रेवोल्यूशनरी पूछा गया आपको, जो कि पूछा जा सकता है। उसके अलावा तारकनाथ दास फ्री हिंदुस्तान और हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस पी सीतारमैया जी की किताब है, जो कि पूछी जा सकती है। इन हिज ओन वर्ड्स किस लेखक की किताब है? तो देखिए, इन हिज ओन वर्ड्स मैंने और भी फ्रीडम फाइटर्स यहाँ पे ऐड कर दिए, तो वो हो जाएगी नेल्सन मंडेला जी की किताब। नेल्सन मंडेला जी की किताब ध्यान रखिएगा, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पूछा गया है, कन्वर्सेशन विद माई सेल्फ ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, नो इजी वॉक टू फ्रीडम, इन हिज ओन वर्ड्स, द स्ट्रगल इज माई लाइफ, अ प्रिजनर इन द गार्डन, फोटोज लेटर्स एंड नोट्स, ये किसकी किताब हो जाएगी? तो नेल्सन मंडेला जी की किताब हो जाएगी और पूछा गया। उसके अलावा मैंने आपको बोला था कि कुछ एडिशनल राइटर्स की भी किताबें मैंने ऐड कर दी है, क्योंकि आपके एमटीएस के एग्जामिनेशन हैं, आपके पुलिस के एग्जामिनेशन हैं, तो उसमें पूछा जा सकता है, इस वजह से मैंने एडिशनल भी ऐड कर दिया इसमें। तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे देखिए, स्वामी एंड फ्रेंड्स किस लेखक की किताब है? तो ये आर के नारायण जी की किताब हो जाएगी, और एग्जाम की दृष्टि से आर के नारायण जी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मालवणी डेज एंड बैचलर ऑफ आर्ट्स किसकी किताब है? आर के नारायण जी की गाइड, जिसको 100% और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन भी कह सकते हैं। द गाइड किसकी किताब हो जाएगी? आर के नारायण जी की किताब हो जाएगी। द महाभारत शॉर्ट एंड मॉडर्न पूछा जाएगा, ये भी आर के नारायण जी की किताब हो जाएगी। स्वामी एंड फ्रेंड्स पूछा जाएगा, ये भी आर के नारायण जी की किताब हो जाएगी। द पेंटर ऑफ साइंस पूछा जाएगा, ये भी आर के नारायण जी की किताब हो जाएगी। द इंग्लिश टीचर पूछा जाएगा, ये भी आर के नारायण जी की किताब हो जाएगी। द वेंडर ऑफ स्वीट्स पूछा जाएगा, ये भी आर के नारायण जी की किताब हो जाएगी, जो कि आपको पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। Which of the following novel is not written by Amish Tripathi? पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास अमिश त्रिपाठी द्वारा नहीं लिखा गया है? तो वो है सीता वारियर मिथिला, द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुआ, द सीक्रेट ऑफ नागाज, या फिर वन इंडियन गर्ल। तो जो नहीं लिखा गया वो क्या हो जाएगा? वन इंडियन गर्ल। जबकि जो लिखा गया वो क्या हो जाएगा आपका? वो सब हो जाएंगे आपके अमिश त्रिपाठी जी के। मैं बता देता हूँ आपको, द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुआ हो गया, द सीक्रेट ऑफ नागाज हो गया, सीता वारियर ऑफ मिथिला हो गया, राम डिसेंडेंट्स ऑफ इवक्सु हो गया आपको, उसके अलावा द ओथ ऑफ द वायुपुत्राज हो गया, रावण द एनिमी ऑफ आर्यव्रत हो गया, इमोर्टल इंडिया हो गया, इमोर्टल इंडिया और इमोर्टल्स ऑफ मेलुआ कई बार आपको पूछा गया, सीता द वॉरियर ऑफ मिथिला ये भी पूछा गया। अमिश त्रिपाठी इन किताबों के लिए जाने जाते हैं, जो कि आपको पूछे जा सकते हैं। एडिशनल में ये भी इंपॉर्टेंट राइटर है।
उसके अलावा हाफ गर्लफ्रेंड दोस्तों किस लेखक की किताब हो जाएगी, तो सबको पता होगा ये किसकी किताब है, तो ये हो जाएगी चेतन भगत की। चेतन भगत की बहुत सारी किताबें आपको पूछी जा सकती हैं, इंडिया पॉजिटिव पूछा जा सकता है, द गर्ल इन रूम 105 पूछा जा सकता है, वन इंडियन गर्ल पूछा जा सकता है, मेकिंग इंडिया असम पूछा जा सकता है, हाफ गर्लफ्रेंड हो गया, व्हाट यंग इंडिया वांट्स कई बार पूछा गया, मोस्ट रिपीटेड कह सकते हैं, रेवोल्यूशन 2020 हो गया, टू स्टेट्स हो गया, थ्री मिस्टेक ऑफ माई लाइफ हो गया, वन नाइट एट द कॉल सेंटर हो गया, 5 पॉइंट समवन हो गया, 400 डेज लेटेस्ट बुक में, वन अरेंज मर्डर लेटेस्ट बुक में, जो कि आपको पूछी जा सकती है चेतन भगत की। आगे बढ़ते हैं, बियॉन्ड 2020 विजन ऑफ टुमारोज इंडिया, ये किसकी किताब हो जाएगी, तो दोस्तों बियॉन्ड 2020 नाम सुनकर के ही पता चल जाता है कि एपीजे अब्दुल कलाम जी की किताब है। इनकी बहुत सारी किताबें जो हमको पूछी जाती हैं, जिसमें इग्नाइटेड माइंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंडिया 2020 हो गया, अग्नि की उड़ान होगी, विंग्स ऑफ फायर जिसको आप कहते हैं, द ल्यूमिनस ऑफ स्पार्क हो गया, स्पिरिट ऑफ इंडिया हो गया, मिशन ऑफ इंडिया हो गया, टारगेट 3 बिलियन हो गया, फेल्यूर टू सक्सेस हो गया, बियॉन्ड 2020 हो गया, विजन फॉर टुमारोज इंडिया, ये भी आपको पूछा जा सकता है, जिसमें इग्नाइटेड माइंड्स, स्पिरिट ऑफ इंडिया, द ल्यूमिनस स्पार्क, विंग्स ऑफ फायर, ये कई बार पूछा गया एपीजे अब्दुल कलाम जी की। ध्यान रखिएगा, अब्दुल कलाम जी की अल हिलाल मैंने बताई थी, उनको इनसे मत जोड़ दीजिएगा। द हिंदू वे एन इंट्रोडक्शन ऑफ हिंदुज्म किसकी किताब हो जाएगी, नमिता गोखले की, उदय भाटिया की, झुंपा लाहिड़ी की, या शशि थरूर की, तो देखिए द हिंदू वे किताब जो हो जाएगी वो शशि थरूर की किताब है। उसके अलावा द हिंदू वे एन इंट्रोडक्शन ऑफ हिंदुज्म के अलावा द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, वाई आई एम अ हिंदू, एन एरा ऑफ डार्कनेस, इंद्रशास्त्र, रिफ्लेक्शन ऑन द नेशन ऑफ आवर टाइम, इंडिया द फ्यूचर इज नाउ, बुकलेस इन बगदाद, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछी गई एमटीएस में आपके, द $5 समवन, उसके अलावा इंडिया फ्रॉम मिडनाइट टू मिलेनियम, द ग्रेट इंडियन नॉवल, लेटेस्ट बुक की बात करें तो प्राइड प्रेजिडेंस पंडित्री हो गया, द स्ट्रगल ऑफ इंडिया सोल हो गया, जो कि आपको पूछा जा सकता है। अभी रिसेंट में इनकी किताब आई है अम्बेडकर अ लाइफ, ध्यान रखिएगा अम्बेडकर अ लाइफ इनकी किताब पूछी जा सकती है, जो कि इंपॉर्टेंट है, तो वो भी नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस के लेखक कौन है, बहुत ही फेमस राइटर हैं ये अरुंधति रॉय, ठीक है, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस किनकी किताब हो जाएगी, अरुंधति रॉय जी की, और इनकी किताब सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, जिसको मैन बुकर प्राइज भी मिल चुका है 1997 में, कभी कभी आपको ईयर पूछ लेता है, माई सेरेटियस हार्ट हो गया, आज़ादी अभी रिसेंट में इन्होंने किताब लिखी है, ब्रोकन रिपब्लिक हो गया, कैपिटलिज्म हो गया, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस हो गया, हैंगिंग ऑफ अफजल गुरु हो गया, ऑर्डिनरी पर्सन ऑफ गाइड टू एम्पायर हो गया, वॉकिंग विद द कॉमरेड्स हो गया, लिसनिंग टू ग्रास ऑफर्स कई बार पूछा गया है, पावर पॉलिटिक्स पूछा गया है, वॉर टॉक पूछा गया है, द एंड ऑफ इमेजिनेशन पूछा गया, ये सारी किताबें अरुंधति राव जी की आपको पूछी गई है, तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये पूछा जा सकता है आपको। आगे बढ़ते हैं, वाइज एंड अदरवाइज किस लेखक की किताब है, तो देखिए वाइज एंड अदरवाइज जो किताब है वो सुधा मूर्ति जी की किताब हो जाएगी, ठीक है, बिना सोचे इसका आंसर आप कर देते हैं, क्योंकि सुधा मूर्ति जी को भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें महाश्वेता हो गया, वाइज एंड अदरवाइज हो गया, हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी हो गया, द सेज विद टू हॉर्न्स हो गया, द बर्ड विद द गोल्डन विंग्स हो गया, द डे आई स्टॉप ड्रिंकिंग मिल्क हो गया, द ओल्ड मैन एंड हिज गॉड हो गया, हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर हो गया, एंड अदर स्टोरीज, उसके अलावा डॉलर बहू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द मैजिक ऑफ द लॉस्ट टेम्पल, 3000 स्टिचेस, ये भी आपको एमटीएस में पूछा गया है, द मैजिक ऑफ द लॉस्ट टेम्पल भी आपको जो है एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट राइटर है जो कि आपको पूछी जा सकती है। तो दोस्तों ये आज के हमारे फ्रीडम फाइटर्स और कुछ इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा फ्रीडम फाइटर्स और कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स की किताबें थी, और उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छा लगा होगा तो मैं यही कहूंगा वीडियो को लाइक करेगा, शेयर भी कर सकते हैं आप दोस्तों को, और इस चैनल पर बुला सकते हैं क्योंकि यहाँ पे रोज लाइव क्लासेस भी होती हैं, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा ताकि ऐसे बहुत सारे वर्क्स मैं आपको प्रेजेंट करता रहूँ। बाकी अपना ध्यान रखिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।